हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस नॉलेज ऑफिशियल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के बायोलॉजी के VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र में। रंध्र में पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 10x पर, 10x पर, 10x पर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, लसिका। लसिका तीन नंबर का राइट आंसर है, लसिका। चौथा क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, निलय द्वारा, निलय द्वारा, निलय द्वारा। चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल वाहन के लिए, जल। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है। चलिए आठवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। स्वपोषी के पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक है। चलिए नौवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। क्या है ऑक्सीजन? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन है, ऑक्सीजन हार्मोन है। चलिए दसवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा में, द्विखंडन होता है अमीबा में, द्विखंडन होता है अमीबा में। 11 नंबर क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायवीय एवं अवायवीय, वायवीय एवं अवायवीय, सी नंबर ऑप्शन इज राइट। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे में, हरे पौधे में, प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधे में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, क्या निकलता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है, क्या निकालता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल से निकलता है, जल से, ए नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन है ए सोचने के लिए, दूसरा नंबर हृदय संपादन के लिए, तीसरा नंबर शरीर का संतुलन बनाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर, इनमें से सभी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम क्लोरो मैग्नेशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में।
चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, एक भाग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, वृक्क एक भाग है उत्सर्जन तंत्र का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.5 किलो जूल प्रति मोल, 3.5 किलो जूल प्रति मोल, सी नंबर आंसर इसका सही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा है लगभग, मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब है लगभग, इसका राइट आंसर 120 mmHg, 120 mmHg, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पत्तों में, यानी कि पत्तों में, पौधों में वाष्प उत्सर्जन पत्तों में होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है, यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्त रस, पित्त रस, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ग्लूकोज, ग्लूकोज। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हेमोडायलिसिस, हेमोडायलिसिस, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, जीवों के शरीर से उपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहाँ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन सर, सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क सीरा बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइलम, हाइलम, ऑप्शन नंबर सी, हाइलम। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत से, बी नंबर, यकृत से। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन का, उत्सर्जन का। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। राइट आंसर हो जाएगा चीड, रेजिन चीड पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, मूल रोम पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ों में, मूल रोम जड़ों में पाए जाते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वृक्क, वृक्क। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वेद, स्वेद। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है, इसका राइट आंसर है स्वेद, स्वेद ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा द्वारा, फेफड़ा द्वारा।
मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़े द्वारा होता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, पराग नालिका का बीजांड और वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रसायन अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, सजीव में निम्न में से कौन जैव प्रकर्म पाए जाते हैं? सजीव में निम्न में से कौन जैव प्रकर्म पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है पोषण, तीसरा ऑप्शन है जनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन पकड़ता है, अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। पहला ऑप्शन है कुटपाट द्वारा, दूसरा ऑप्शन है कोशिका सतह द्वारा, तीसरा ऑप्शन है लाइसोसोम द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुटपाद द्वारा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कम होती है, बी नंबर अधिक होती है, सी नंबर एक समान होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कम होती है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अपघटक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है श्वासोच्छास, तीसरा ऑप्शन है निश्वसन, चौथा ऑप्शन है निश्वसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन, श्वसन बी नंबर, श्वसन। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन वहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन वहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सीरम, दूसरा ऑप्शन है सिराए, तीसरा ऑप्शन है रक्तदाब, चौथा ऑप्शन है पट्टिकाणु। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए, निःश्वसन द्वारा नकली वायु में रहती है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।